क्या तेरी बीवी कसम। दोस्तों हमारे सारे कंटेस्टेंट आ गए हैं बिग बॉस के और हम लोग जा रहे हैं बिग बॉस खेलने प्लांट में। दोस्तों हमारी बैटिंग आई है, हमारा टीम का सारे लोग आउट हो गए हैं। शुक्ला भी आउट हो गया, बंटी भी आउट हो गया, मैं अकेला बचा हूँ। एक रन हमारी टीम का है, 3 बॉल हुआ है, अभी जा रहे हम छक्का पर छक्का इसको लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग बात कीजिए, देखिए अकेले राधे राधे आप सभी को, आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों लगभग ये मेरा 147वां या 48वां ब्लॉग है दोस्तों, तो आप लोग अब सपोर्ट कीजिए यार कि ब्लॉग बना बना कर 4 व्यू 5 व्यू देख देख के थोड़ा दुखी हो जाता है मन। तो आप लोगों का प्यार चाहिए दोस्तों। और अभी आज धूप निकला है, देखिए दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए सुबह 7 बजे ही धूप निकल गया। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है दोस्तों कि इस ठंडी में, जो कि कल तक पूरा दबा करके कोहरा कर रहा था, आज फील हो रहा है कि गर्मी का मौसम आ गया। ऐसा एकदम बहुत तेज धूप निकला हुआ है, देखिए अभी अंदर से ऐसा नज़ारा दिख रहा है तो बाहर में तो और ज़बरदस्त होगा। और यहाँ पे देखिए एक दिक्कत है, यहाँ पे खाना में थोड़ा फुल्ट है। देखिए नाश्ता, ये रोटी देखिए पूरा कच्चा ही है, पराठा ही, देखिए क्या करें, कच्चा कच्चा पराठा खा खा करके पेट खराब हो जाएगा गाइस। लेकिन क्या करें, भूख है, पेट है तो खाना पड़ेगा। और मैं सबसे पीछे उठा था सो करके, लगता है 9:15 बजे के आसपास। अभी नहा धोवा कर पूजा पाठ करके रेडी हुआ हूँ, चलो नाश्ता करता हूँ। तो ला करके तो मैं रख दिया था जब उठा था तभी, क्योंकि यहाँ पर नाश्ता वास्ता खत्म हो जाता है, कच्चा भी रहता तो खा जाता है, पेट ऐसा चीज़ है, इतने सारे लोग रहते हैं। तो चलिए फिलहाल हम नाश्ता कर लें, ये पराठा है दिन वाला, अभी ये रात वाला सब्जी, ये चाय है जो ठंडी हो चुकी है, लेकिन हम सोचते हैं चाय के दम पर ही दोनों पराठा खा जाएंगे। तो फिलहाल आज का ब्लॉग शुरू करते हैं दोस्तों, और आज का ब्लॉग जो भी रहेगा, आज का दिनचर्या, वो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए पहले नाश्ता कर लो, मेरा नाश्ता तो हो गया दोस्तों, अब चले थोड़ा छत पे घूम ले, धूप धूप का मजा ले ले। और ये जो भीगा हुआ कपड़ा है इसको भी डाल दे, ये सब चड्डी बड्डी को, ये गमछा को, सबको डाल दें और चलते हैं, देखते हैं सारे लोग किधर है, कोई दिख नहीं रहा है। वैसे तो है यहाँ पे बहुत सारे लोग लेकिन दिख नहीं रहा है, क्रिकेट भी कोई खेलने नहीं गया है, बल्ला वल्ला इधर ही रखा है, तो इधर ही सब होगा, देखते हैं किधर में है। दरवाजा तो लग जा रे, तो चलिए गाइस दिखाते हैं ऊपर में। ये देखिए राधे राधे भाई, ये देखिए मिस्टर आशीष चलचलानी। हाँ, चलाने पर चलाने लगा दे रहे साहब। क्या लगाओ फिर बताओ, जो क्या हो लगाइए, बस आशीष हूँ, बस आशीष है, बस आशीष है, यही लगाना है, बस आशीष। अरे देखो हम यही ढूंढ रहे थे, लोग है कहाँ, देखो इधर मिल गया, इधर अरुण सर आ रहे हैं। तू कपड़ा वपड़ा ऐसे फेंक रखा है, चड्डी वड्डी, आएंगे यहाँ पे तो साफ साफ सफाई करके रखेगा ना भाई। इस लड़के को देखिए, तसेड़ी को क्या बोल रहा है, कैमरा में रिकॉर्डिंग मत किया कर, ये सोचता है कि नहीं देखा कल, जानता है सौरभ ये विराट कोहली का बहुत गाली दिया रिकॉर्डिंग की, मन तो कर डाल दो, देखो इंडिया में फिर विराट कोहली गाली दे रहा है, रहन दे तू लग जाएगी ऐसे ही। तो चलिए गाइस कपड़ों पर डाल दूं। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए, मेरा मन नहीं था लेकिन ये 1.5 प्लेयर के साथ हम लोग आ गए हैं। देखिए हम लोग टोटल 5 ही प्लेयर हैं दोस्तों, लेकिन ये लोग बोला कि चलो खेलने के लिए, तो हम लोग का टीम बढ़ चुका है और हमारी बैटिंग आई है, हम टॉस जीत चुके हैं और ओपनिंग बैटिंग में हम बल्ला लेकर तैयार हैं दोस्तों। 3-3 ओवर का मैच है और अश्वनी बॉलिंग एंड पे है और मैं बैटिंग एंड पे हूँ, तो चलिए खेलते हैं और खेलने के बाद मैच का आप लोगों का हाल बताते हैं दोस्तों। पहले हमारे तरफ चेहरा करो, बस हटाओ ये, हटाओ हाथ, हटाओ, अरे चूतिया ऐसे पकड़ना ऐसे, चल पकड़ लिया। दोस्तों हमारी बैटिंग आई है, हमारा टीम का सारे लोग आउट हो गए हैं, शुक्ला भी आउट हो गया, बंटी भी आउट हो गया, मैं अकेला बचा हूँ। एक रन हमारी टीम का है, 3 बॉल हुआ है, अभी जा रहे हम छक्का पर छक्का इसको लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग बात कीजिए, देखिए तो ऐसे पकड़ ले रहे ना फोन पे, रिकॉर्डिंग करो। हो गया, दोस्तों शुक्ला बोला था कि मैं एक रन बचा दूंगा, अब पहला बॉल में छक्का पिटवा करके मैच हरवा दिया है, लेकिन जो जीतेगा उसकी बैटिंग है, तो ये हमारे विपक्ष वाले बैटिंग करने के लिए तैयार हो गए हैं। और शुक्ला बाइट पे बाइट फेंका जा रहा है, साला बातें करने के लिए बोलो तो लंबी लंबी करेगा, इसे इसीलिए पूछे कि शुक्ला रखा जाए बाइट के लिए, तो बोल रहा है नहीं बाइट में नुकसान है, बाइट नहीं रखो।
मार यॉर्कर मार दिया बे शुक्ला, यॉर्कर मार दिया गाइस, यॉर्कर। ये इतना बाइट मत दे यार शुक्ला, शुक्ला बहुत बाइट देता है यार, यही दुखी कर दिया ये। दोस्तों हम लोगों का मैच समाप्त हो चुका है, हम लोग तीन मैच खेले हैं जिसमें तीनों मैच शुक्ला हम लोग विजयी प्राप्त किए हैं। क्यों तीनों जीते हैं? हाँ विश्व कप नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन जीते हैं तीनों मैच। एक मैच 10 रन से, एक मैच 12 रन से, और एक मैच में इन लोगों को एक रन पे ऑल आउट कर दिए। ये मैं पूरा सच नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, एक भी मैच क्या एक रन पे तूने हमको लड़ दिया, तेरी बीवी कसम। देखिए दोस्तों मैं इतना कसम खा लिया, बेचारा का दिल धड़कने लगा जोर जोर से। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात है कि हम लोग तीनों मैच हार चुके हैं, और ये लोग अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन ये लोग बेईमान भी बहुत है। इन लोग अपनी फील्डिंग के टाइम में जहाँ एक रन वहाँ दो दो रन दिलवाता है, ये तो बहुत ज़्यादा अश्वनी। तो चलिए दोस्तों अब तैयार होते हैं, निकलते हैं ड्यूटी के लिए क्योंकि 3:30 बज चुका है। तो चलिए पहुँचे, बहुत गर्मी भी लग रहा, आज तो गर्मी का दिन फील करवा दिया। और जितना ये लोग चुन बचा पड़ा था ना खेलने के लिए, उतना ही लोग घटिया फील्डिंग किया। ये इसको पहचानो बंटी, और ये अश्वनी। चलो चलो खेलने, चलो खेलने, दौड़ा ही नहीं जाता। क्या बात कर रहा है? हाँ देख 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 बता रहा, देख बता रहा कैसे भागता बंटी, देख देख देखा सेकंड इनिंग में। हाँ ठीक है। हाँ मैंने तिरछी कितने रन की पार्टनरशिप करी? कितने? 27 रन। शतक मारा दोनों? 27 रन। अकेला वो मारा तीन चार चौका छक्का? मैंने मारा छक्का ना बंटी भैया, ना मैं छक्का नहीं मारा, ना अच्छा एक छक्का ही मारा उसको। आप बॉल लेके आए थे? आप बॉल लेके चौका नहीं मारा था? अच्छा वो घर में मारा था जो है? चौका नहीं मारा था ना? सिंगल नहीं लिए मैंने ना। ए अश्वनी छक्का शतक मारा था बे, अश्वनी शतक मारा है गाइस, मिस्टेक से मैं बोल दिया कि रन नहीं मारा। ठीक अब चलिए दोस्तों इंटरनेशनल ब्लॉग आ रहा है, रखते हैं। दोस्तों हमारी फुल तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने के लिए, और टाइम हमारा हो चुका है पूरा 4 बजने वाला है, 1 मिनट कम है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। तो अब सारे लोग आ जाएं तो फिर निकले हम, क्योंकि हम तो तैयार होकर के बैठ गए हैं दोस्तों। और पता नहीं द्रक्षवा किसको बुलाने जा रहा है बे? जूता लेने जा रहा है, ये जूता लेने जा रहा है, जूता छत पर से। तो अब सब लोग आ जाएं दोस्तों, तो फिर निकले और प्लांट पहुंचे और अपना काम वाम करें। दोस्तों हमारे सारे कंटेस्टेंट आ गए हैं बिग बॉस के, और हम लोग जा रहे हैं बिग बॉस खेलने प्लांट में। देखिए दो कंटेस्टेंट गाड़ी में बैठ गए हैं गाली में, और हम और नीरज मोबाइल को माफ कर दे अब चल। दोस्तों हमारा टी ब्रेक हो चुका है, और हम लोग टी भी पी लिए हैं, और यहाँ पे देखिए आग ताप रहे हैं। वैसे तो ज़्यादा ठंडी है नहीं, फिर भी आग जब जल रहा है तो ठंड ऐसी चीज़ है कि आग अपने तरफ आकर्षित करता है लोगों को, तो मैं भी आकर्षित होकर के आ गया हूँ आग के पास। और देखिए हमारे पास जितने सारे लोग हैं सब मोबाइल में घुसे पड़े। देखिए ये तो क्रिकेट का ज्ञाता है, ये जो लड़का क्रिकेट का ज्ञाता है, कोई ऐसा नहीं है दोस्तों जो आज के टाइम में खाली रहेगा मोबाइल रहते हैं हाथ में। अदरक जो है वो क्रिकेट के बारे में इतना ज़्यादा जानता है इतना तो बीसीसीआई को नहीं पता होगा। क्यों अदरक? तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा उनको। तो विराट कोहली के बारे में कुछ बताओ। देखिए विराट कोहली को बोल रहा है अनसन लड़का, ये छोड़िए ये गद्दार लड़का, गद्दार। और हमारा खाना पीना अब आ गया है दोस्तों, तो चलेंगे खाना पीना खाएंगे अब। और कल से मेरी ड्यूटी चेंज हो गई है, कल से मेरा ड्यूटी रहेगा मतलब रात में 12 से 8। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, लॉकडाउन भी बहुत जल्दी लगने वाला है, और चलिए आज का ब्लॉग अब इधर ही समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।